अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू बेटा? ओपन योर साइंस वर्क बुक पेज नंबर 13। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन डेट। टुडे इज 14/7/20 एंड द डे इज ट्यूजडे। ओके, राइट डाउन डेट एंड डे। ओके बेटा, यू नो हाउ मैनी सेंसेस वी हैव। In this chapter, we have to learn about the senses. Yes, we have 5 senses: sight, smell, taste, hearing and touch. ये अल्लाह की तरफ से हमें अल्लाह ने सेंस दी हुई है, जो हमें हर चीज़ से अवेयर करती है, बताती है हमारी सेंस हमें। अब इस पेज पे आप अपने माइंड पे जोर देके और देन यू विल आंसर मी कि आपकी कौन सी सेंस यूज़ होती है। ओके, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी, यू हैव टू टेल मी द सेंस। ओके, आपने सेंस बतानी है। ओके, फर्स्ट, व्हेन यू सी अ बस ऑन द रोड, इमेजिन यू आर ऑन अ रोड एंड देर इज अ बस। आपको कैसे पता लगेगा बस है? सबसे पहले आपको उसकी एक आवाज़ आएगी, यस, उसके हॉर्न की आवाज़ आपको वो नज़र आएगी। ठीक है, तो जब वो आपको नज़र आएगी तो कौन सी आपकी सेंस यूज़ होगी? यू हैव टू यूज़ द सेंस ऑफ साइट। आप देखोगे कि देर इज़ अ बस ऑन अ रोड। देन यू हैव टू ऑल्सो हेयर, हेयरिंग, आप सुनोगे एक आवाज़, उसके हॉर्न की आवाज़, बस की आवाज़। तो आपकी कौन सी सेंसेस यूज़ होंगी? हेयरिंग एंड साइट। हेयरिंग, एच ई ए आर आई एन जी, हेयरिंग। साइट, एस आई जी एस टी, साइट। हेयरिंग मीन सुनना एंड साइट मीन देखना। ओके, दीज टू सेंसेज आर यूज्ड। एंड देन स्टिंकिंग बीज, शहद की मक्खियाँ, आपको कैसे पता लगेगा? बी करके आवाज़ आती है ना, यस। यू ऑल्सो यूज़ योर ईयर्स, आपको एक आवाज़ आती है। देन ऑल्सो साइट, अगेन यू हैव टू राइट हेयरिंग एंड साइट। देन फायर इन द हाउस, एक घर को आग लग जाए, कैसे पता लगेगा आपको कि आग लग गई है? यस, आपको स्मेल आएगी, कुछ जल रहा है। एंड साइट, आप देखोगे कि वहाँ धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है। स्मेल, एस एम ई डबल एल, स्मेल। एंड देन साइट, एस आई जी एच टी, साइट, स्मेल, साइट। देन हॉट केटल, पानी उबल रहा है या गर्म है, आपको कैसे पता लगेगा? गर्म पानी है, अरे जब आप टच करोगे और आप जल जाओगे तो आप कहते हैं हाँ ये तो गर्म है, गर्म है, इट्स हॉट। तो कौन सी हमारी सेंस यूज़ हो रही है? इट्स टच एंड साइट। टच, टी ओ यू सी एच, टच, एस आई जी एच टी, साइट, टच, साइट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट आर दीज पीपल कॉल्ड, इन लोगों को क्या कहते हैं? अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, एक बंदा जिसको नज़र नहीं आता, यस। बट इन इंग्लिश, उर्दू में उसको अंधा कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्लाइंड। क्या कहते हैं? ब्लाइंड, से ब्लाइंड, बी एल आई एन डी, ब्लाइंड, बी एल आई एन डी, ब्लाइंड, जिसको नज़र नहीं आता। पर्सन हु कैन नॉट सी इज ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड डम, गूंगा, जिस बोल नहीं सकता उसको कहते हैं डम्ब। बी की आवाज़ को फोकस करें, डम्ब, डी यू एम बी, डम्ब, डी यू एम बी, डम्ब, डी यू एम बी, डम्ब। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकता, बेहतर देखें हेयर, ईयर, इस वर्ड को फोकस करें, हेयर ईयर है ना, हम कानों से सुन नहीं सकते, बहरा, इट्स कॉल्ड डेफ, डी ई ए एफ, डेफ, डी ई ए एफ, डेफ। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज ब्लाइंड, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक इज डम, अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकता उसको कहते हैं डेफ, ब्लाइंड, डम, डेफ। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 14, अगेन यू हैव टू राइट डाउन डेट एंड डे, इट्स अगेन 14/7/20 एंड देन द डे इज ट्यूजडे।
हाउ डज इट फील, बेटा दीज आर द थिंग्स एंड यू टेल मी कि हाउ डज यू फील व्हेन यू टच। जब आप किसी चीज़ को टच करते हो ना, आप कहते हो कितना सॉफ्ट है ये हार्ड है, ये रफ है, ये स्टिकी है, ये चिपक रहा है, अजीब सा है। तो व्हेन यू टच, जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, देन यू फाइंड के हाउ दिस ऑब्जेक्ट इज, ओके, कैसा फील करते हैं। व्हेन यू टच योर बुक, इट्स सॉफ्ट और इट्स हार्ड। सॉफ्ट कहते हैं नरम नरम सा, हार्ड कहते हैं सख्त। व्हेन यू टच योर बुक और नोटबुक, इट्स हार्ड, सख्त होती है। एच ए आर डी हार्ड, एच ए आर डी हार्ड। देन अ स्टफ टॉय, अ टेडी बेयर, सॉफ्ट होता है ना, फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट, उसको ऐसे ऐसे पकड़े होते हैं। देन यू हैव अ पेंसिल, देखे पेंसिल सॉफ्ट नहीं है ना, सॉफ्ट होती तो मैं इसको ऐसे ऐसे कैसे कुछ कर देती। इट्स हार्ड, एच ए आर डी हार्ड, ओके, पेंसिल इज हार्ड। देन यू हैव अ रेजर, रेजर होता है ना, उसको कैसे तोड़े होते, मरोड़े होते, इट्स सॉफ्ट। देन योर बैग, इट्स हार्ड, इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स हार्ड। देन यू हैव अ टिश्यू पेपर, कितना सॉफ्ट होता है, अपने फेस पे भी यूज़ कर रहे होते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे उसको थ्रो कर देते हैं, है ना, इट्स सॉफ्ट। ओके, यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट। देन विच सेंस विल लेट यू नो, बेटा नाउ यू हैव टू यूज़ योर सेंस, अल्लाह ने आपको सेंसेस दी हैं, नाउ यू हैव टू यूज़। द फूड इज हॉट, जस्ट सपोज फूड हॉट है, आपको कैसे पता लगेगा हॉट है, टच करने से पता लगेगा, टेस्ट करने से पता लगेगा या देखने से। व्हेन यू टेस्ट इट, ये जब उसको टेस्ट कर, ये तो गर्म है, तो व्हेन यू फूड इज हॉट यू हैव टू टेस्ट एंड यू से इट्स हॉट। द फूड इज नॉट फ्रेश और रोटन, रोटन कहते हैं बेटा ख़राब हो, फ्रेश ना हो, ताज़ा ना हो, कहते ना फ्रेश फ्रेश खाना खाए, कैसे पता लगेगा कि ख़राब हो रहा है, स्मेल आती है ना गंदी सी, यस स्मेल। द डोर बेल इज रिंगिंग, आपके डोर पे बेल होती है तो आपको कैसे पता लगता है, टेस्ट से, टच से, नो, यू हियरिंग, आप सुनते हैं तो आप कहते हैं बेल हुई है, मम्मा को दरवाजे पे है, मोबाइल की बेल हुई है, किसी भी चीज़ की तो आप सुनते हैं। ओके, दीज ऑल द सेंसेस यू हैव टू यूज़, बेटे यूज़ योर सेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेंसेस को यूज़ किया करें। यू हैव टू ऑल्सो कम्प्लीट पेज नंबर 14। नाउ पेज नंबर 15, बेटा दिस इज़ द ब्लाइंड मैन ब्लफ, इट्स एन एक्टिविटी इंशाल्लाह, व्हेन वी कम टू, यू हैव, व्हेन यू कम टू स्कूल ना इंशाल्लाह वी विल डू इट इन द स्कूल, ओके, यू हैव टू लीव इट। नाउ यू हैव टू ओपन पेज नंबर 16, ओके, ओपन इट अगेन, यू हैव टू राइट डाउन डेट एंड डे, ओके, ट्यूजडे, फाइंड द डिफरेंस, यू नो व्हाट इज डिफरेंस, दिस इज, यू सी द टू पिक्चर्स, नाउ यू टेल मी द डिफरेंस, आपको इन पिक्चर्स में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, यू हैव टू डू इट, ओके। नाउ लुक क्लोजली एट इमेजेस ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यू हैव टू लुक इट एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, ओके। फर्स्ट ऑब्जर्व दीज टू पिक्चर्स, चेक करें इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंस है, इफ़ यू फाइंड द डिफरेंस देन यू हैव टू सर्कल इट, आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस हेयर बिकॉज देर इज़ अ मैन ओवर हेयर स्टैंडिंग एंड देर इज़ नो मैन, इट्स वन डिफरेंस। देन दिस मैन, देर इज़ अ बॉल, यू सी अ बॉल बट देर इज़ नो बॉल, इट्स अगेन अनदर डिफरेंस। देन हेयर द राइट वर्ड इज रिटन वॉल्टन, then there is no written, it's mean 1, 2, 3 difference I have found, अगर आपको कोई और नज़र आता है तो आप भी find करें। spot 3 differences in given pictures, okay, now draw the missing things, अब जो हमने missing things find किए उनको draw करें। first there is the word written Walton, then there is a ball and then there is a man, these 3 difference you have to draw, match your drawing to your partner, leave it, is your drawing similar or better, anything else you find difference you also circle it and draw over here, okay, then
यूज द वर्ड बैंक एंड कंप्लीट दिस। दी वर्ड बैंक बेटा कहते हैं आपको वर्ड्स दिए हुए होते हैं, ओके, हिंट आपको दी हुई होते हैं, यू हैव टू यूज इट। आई यूज माई डैश टू ड्रॉ, किससे मैं ड्रॉइंग कर रही हूँ, येस आई यूज माई हैंड्स, ओके। आई सॉ माई पार्टनर्स ड्रॉइंग विद माई, अब मैं किससे अपने पार्टनर की ड्रॉइंग देख रही हूँ, येस विद माई आईज, आंखों से। आई यूज माई डैश टू लिसन टू माई पार्टनर, किस चीज़ से हम सुनते हैं, येस विद माई ईयर्स, कानों से, ओके बेटा। यू हैव टू ऑल्सो फिनिश पेज नंबर 16। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।